अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फरहत के साथ। तमाम व्यूअर्स को मेरा अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में खैर आफियत से रखे, कामयाब और कामरान करे, ज़िंदगी और सेहत के साथ आमीन। आज बना रहे हैं भिंडी आलू की सब्ज़ी, जो कि बेहद आसान, ईजी, क्विक है। जस्ट हमने जो है वो यहाँ एक बड़े साइज़ का अनियन लिया है, दो अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए, उन्हें बारीक काट लिया है, एक टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं, कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून फुल सॉल्ट है, और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर लिया है नेशनल का मसाला, सब्ज़ी मसाला। ठीक है, ये है 1 टीस्पून, इससे इसमें फ्लेवर आएगा। ये 1 टीस्पून नेशनल का सब्ज़ी मसाला और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। आलू लिए हैं 3 अदद, उन्हें बारीक काट दिया है, 3 अदद हरी मिर्च साबुत ली हैं। ठीक है, थोड़ा सा लहसुन देंगे चॉप टू आवर, वो इसमें ज़रूर शामिल करेंगे। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्याज को जो है वो हम अपना करते हैं कुक। पैन में जो है वो 1/2 कप ऑयल लिया, 1/2 कप ऑयल लेने के बाद कुकिंग ऑयल। ठीक है, ये और अब मैंने प्याज इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याज को थोड़ा सा जो है वो कलर ट्रांसलूसेंट करते हैं। ठीक है, और फिर इसके अंदर जो है वो सारे जो है वो चीज़ें स्पाइसेस भिंडी वगैरह शामिल करते हैं, मसाला भूनते हैं। जी, प्याज हो गई है, अब सारे मसाले और टमाटर शामिल करते हैं इसके अंदर। ठीक है, इनको मिक्सअप करते हैं अच्छी तरह से। बिल्कुल इजी तरीके से जो है वो भिंडी आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, और ये इस तरह भी बेहद मज़ेदार बनती है। ठीक है, इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। हरी मिर्चें थोड़ी शामिल करेंगे, मगर वो आखिर में शामिल करेंगे कतरी हुई, और 3 हमने साबुत लिए हैं वो भी शामिल करेंगे। इसमें हमने सिर्फ ऑप्शनल जो एक अच्छा मसाला डाला है, वो हमने नेशनल का सब्ज़ी मसाला डाला है, जिससे इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमने साबुत हरी मिर्चें शामिल कर दिए 3 अदद। अब इसको भूनते हैं और इसमें भिंडी आलू एक साथ शामिल करेंगे। जी, ये मसाला जो है वो अब थोड़ा सा इसके साथ आलूओं के साथ कुक करते हैं। आलू 1/2 टेंडर हो जाएँ तो फिर भिंडी शामिल करते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ मिक्स कर देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए कवर अप कर देते हैं, ताकि 1/2 टेंडर हो जाएँ, उसके बाद भिंडी शामिल करते हैं। जी, ये 1/2 से ज़्यादा टेंडर हो गए हैं इसके अंदर मसाले में अच्छी तरह से। ठीक है, अब इसमें भिंडी शामिल करते हैं। भिंडियों को अच्छी तरह से धो के वॉश करके सुखा लिया था। ठीक है, अब भिंडी इसके साथ मिक्स करते हैं और इसे जो है वो दम करते हैं। जी, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर रही हूँ और 1 अदद हरी मिर्च जिसे बारीक काट लिया है, ठीक है, वो शामिल करते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसे मिक्स करके अब मैं इसको दोबारा, और अब मैं इसे जो है वो 5 से 6 मिनट के लिए जो है वो हल्की आँच पर दम पर रख दूँगी। आलू हमने आधे से ज़्यादा गला लिए थे, जो बाकी होंगे वो इसी में कवर अप हो जाएंगे और भिंडी जल्दी गल जाती है। ठीक है, इसको 5 मिनट के लिए कवर अप करते हैं और फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। बेहद मज़ेदार सी भिंडी आलू तैयार हो जाएगा। जी, ये मज़ेदार सा भिंडी आलू तैयार है, इसे सर्व करते हैं डिश में। जी, इसे सर्व कर लिया है। मज़ेदार सा जो है वो हमारा भिंडी आलू तैयार है, जो कि बेहद मज़ेदार बना है। ईजी क्विक रेसिपी थी। रेसिपी पसंद आती है तो थम्सअप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।